पीछे छोरा बैठा हुआ था, ये उसी की कहानी है जो तुम्हारे सामने लिखी हुई है। तुमने नोटिस नहीं किया, तुम्हारे सामने लिखी हुई है। वो होता है ना, कोटा में जब लौंडा आता है पढ़ने के लिए तो उसका टारगेट बड़ा खतरनाक होता है भाई। AIR 1 से कम तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग। होता यह, थोड़ा वक्त बीतता है तो उसकी जो मंजिल है वो मंजिल बदल जाती है। और मैं उस मंजिल को लेके बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो यार क्या लिखा है। बड़ी मजेदार चीज लिखी है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भावनाओं में जाना, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए कड़ी मेहनत, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा तुम्हें, जब उसका रास्ता बदल जाता है। कितनी शानदार लाइन है, कड़ी मेहनत और क्या है उसके बाद, सच्ची लगन, दृढ़ आत्मविश्वास और पूर्ण निष्ठा के साथ सदैव उत्साहित रहकर अपने लक्ष्य पर निगाहें जमाए रखो। मजेदार बात ये नहीं, मजेदार बात नीचे वाली है कि भाई साहब मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि ये उसके लौंडे के लिए तो हला गया था घूमने के लिए। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं पेट में दर्द क्लास छोड़ा था। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं उन सभी प्रवृत्तियों का त्याग करूंगा जो मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक। सही बात भी है भाई, देख ले लोने ने क्लास छोड़ी, आज तक कभी क्लास नहीं आया, वो आएगा भी नहीं। वही है, यहां से मैंने भी बड़ी चाल लाइन बड़ी अच्छी से मेरे गुरुजी ने मुझे सुनाई थी तो मैं आपको सुना रहा हूं कि देखना, उसी के लिए कह रहा हूं साले अपने ऊपर भरोसा रख, कि तू अपने ऊपर भरोसा रख, देखना एक ऐसा मंजर भी आएगा। इसी से कनेक्ट करना आप उसको। और तुम प्यासे हो, तुम्हारे पास चल के समुंदर भी आएगा। तुम प्यासे हो, तुम्हारे पास चल के समुंदर भी आएगा। और इस तरह बीच में थक्के मत हार ओ मंजिल के आशिक, तू देखना एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो वो सुना भी होगा तुमने कि मंजिल जितनी खूबसूरत होती है, रास्ता भी उतना संघर्षपूर्ण होता है। चलो फिर अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, आप इस चीज को रोक सकते हो। कभी डाउन पढ़ो।